हाय स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुल कलाम को, जिसके राइटर हैं मुनीर नियाजी। सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं, देन हम लोग स्विच करेंगे इनकी जो पोएट्री है उसकी तरफ। सबसे पहले मुनीर नियाजी को जब भी हम डिस्कस करेंगे पंजाबी लिटरेचर में, तो इनका नाम बहुत प्रोमिनेंट है। उसकी बड़ी वजह ये है कि ये अपने जो कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स थे उनसे इनका स्टाइल बहुत डिफरेंट है। ठीक है, कैसे है वो हम जब इनकी शायरी को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और इनका जो असल नाम था वो मुनीर अहमद था, लेकिन जो लिटरेचर है उसमें मुनीर नियाजी के नाम से ही जाने जाते हैं। और इनकी जाए पैदाइश खानपुर ज़िला होशियारपुर, यानी कि इंडिया में पैदा हुए थे, और इनके वालिद का नाम फ़तेह मोहम्मद खान नियाजी था। देन फिर डिफरेंट लाइक जॉब की और एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, आप कह लें कि जब ये लाहौर है तो ये शहरी ज़िंदगी से बहुत डिसअपॉइंट हुए। लाइक वहाँ पे देखें जैसे कि गांव में लोग एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे के काम आना, बहुत ये चीज़ें कॉमन होती है, बट शहरी ज़िंदगी वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज़। तो वहाँ से डिसअपॉइंट होकर और वहाँ से कहने ड्राइविंग फोर्स आई और इन्होंने इस तरह से शायरी करना शुरू कर दी। अगर हम कुल कलाम को देखते हैं तो कुल कलाम का जो बैक कवर है, तो वहाँ पे आपको मुनीर नियाजी के साइन मिलेंगे, और एक जो मिसरा है जो आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है, या आप लिखना भी चाहें तो वो भी आपको डिफरेंशिएट करेगा फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। कुछ उजवी रामा ओखियाँ सन, कुछ गल विच गमदा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोक भी जालम सन, कुछ मेनू मरंदा शौक भी सी। हमेशा याद रखिएगा कि लिटरेचर की जो बुनियादी चीज़ होती है वो मोटिवेशन होती है। जब तक आप में मोटिवेशन नहीं होती, आप एक अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर मुनीर नियाजी एक बहुत प्रोमिनेंट पोजिशन होल्ड करते हैं पंजाबी लिटरेचर, तो उसकी वजह यही है कि इनमें मोटिवेशन थी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे ये फ्रॉम द अर्बन सिटी, और स्पेशली जो सिटीजन्स थे वहाँ के, मतलब अर्बन लोकेलिटी या लाहौर के, तो मतलब उनके जो बिहेवियर थे या उनकी जो लाइफ स्टाइल था उससे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास कुल कलाम है, इसमें आप शायरी मजमूए देख लें, यानी सफ़र दी रात, चार चुप चीज़ां, रास्ता दसन वाले तारे और ताज़ा कलाम। आप इनके दिबाचे निगार को भी मेंशन कर सकते हैं पेपर में, और ये एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट एमसीक्यूज़ के लिए आप मेमोराइज़ कर लें। देन कैसे क्वेश्चन आ सकता है और इसको आपको कैसे डील करना है, वो आपसे पूछ सकता है कि वो मुनीर नियाजी की अलामती जो है वो इनकी पोइट्री है, आपको इलामती रंग नज़र आ रहा है तो आप उसको किस तरह डिस्कस करेंगे या कुछ भी। तो आप जो हेडिंग्स देंगे वो इस तरह से दे देंगे, सबसे पहले आप देंगे मुनीर नियाजी दा इलामती निज़ाम, यानी कि इन्होंने जितनी भी पोइट्री की है उसमें आपको इलामत निगारी नज़र आती है। इलामत निगारी उस वक्त कोई भी शायर यूज़ करता है जब वो सिर्फ एक सिंबल का नाम जो है वो दे देते हैं, और जो कारी होता है यानी रीडर्स जो होते हैं पढ़ने वाले, वो अपने हिसाब से उसको डीकोड कर लेते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस सेंस में जा रहा है। ये इलामत निगारी पंजाबी लिटरेचर से पहले फ्रांसीसी से ये जो है स्टार्ट लिया था इसने, इलामत निगारी ने, और डिफरेंट जो फ्रांसीसी शायर थे जैसे कि बॉलियर था, वर्लिन और मलार्क में था, इन्होंने इसको यूज़ किया। देन जो है 20वीं सदी तक ये अंग्रेज़ों से होती होती यानी कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था वहाँ तक आ गए। ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुनीर नियाजी ने कैसे इलामती इस्तेमाल की अपनी शायरी में, तो उन्होंने ज़्यादा हॉरिबल किस्म की, लाइक चुड़ैलें, डायने, खुदगर्जी और ये सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ की हुई, यानी चीखें, काली रात और लहू में भीगे हुए बाल और समथिंग लाइक दैट। जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसी चीज़ें मिलेंगे। बट अब कई निकात कहते हैं कि उनके अंदर कोई खौफ था और उन्होंने वही सारा कुछ अपनी शायरी में डाल दिए, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप उनकी शायरी को पढ़ते हैं तो उन्होंने एक्चुअली एक इंडिविजुअल को इसलिए प्रिपेयर किया है कि जब लाइफ में डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें और उनको फेस करके उनमें इतनी हिम्मत आ जाए कि उनको फेस करें और उनको हरा सकें। ठीक है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे शेर लिखा हुआ है, थान ले के वापस मुड़िया जिद्दर दा रुख कीता मैं, जहर सिया ओ अमृत से सब अंत जाके पीता मैं, मैनू जेड़ी धुन लग जांदी फिर ना उस तो हटदा मैं, रातां विच वी सफर मैनू दिन भी टुरदा करदा मैं, कदे ना रुके कंडे कंडे जख्म कदे ना सीता मैं, कदे ना पिछे मुड़ के तकिया कू जदों में कीता मैं। अब थान का मतलब होता है गोल। ठीक है, कोई भी ये वैसे बहुत अच्छी पोएम है, वेरी ब्यूटीफुल और बहुत मोटिवेशनल किस्म की, इंस्पायरेशनल है। मतलब अगर आप इसको कोट करेंगे तो एक एच भी है, और वैसे भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख रहे हो, लेकिन अगर पीएमएस में ऐसे वगैरह आप लिख रहे हो तो आप इसको में इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो जहर से या अमृत से, अमृत कहते हैं आसान काम को, जहर कहते हैं एक हेडिक और बहुत टफ काम को। ठीक है, उसके अलावा मुड़के तकना होता है मौत। ठीक है,
बाकी आई डोंट थिंक सो कि इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें थी जो इस पॉइंट में जो मुझे बतानी पड़ेंगी। उसके बाद आप इमायत दा शायर, अगेन इशारा, इमायत कहते हैं तशबीह देना, इस्तआारा देना और इशारों से आप बातें करना। लाइक अगर एक माँ कह रही है कि मेरा शेर आ गया या मेरा शेर वर्गा पुत्र आ गया, तो इट डजेंट मीन कि वो शेर उसका बेटा था, वो अपने बेटे को शेर जैसा बहादुर जो कंसीडर कर रही है। इसमें आप एक पक्की रात नज़म है उसको कोट कर सकते हैं, जैसे शेर देख लेते हैं, लाइक गोर घर दिया कंधा उत्ते दिसन चिट्ठा लाल फवार दिया। ठीक है, लाल फवार यहाँ पे पुलिस वाले, मतलब अगर उनसे, मतलब एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो उन्होंने जब बताया तो उन्होंने इसको पुलिस वाले खुद कहा है, लेकिन हर एक का मतलब उन्होंने खुद नहीं बता दिया, उन्होंने ये कारी पे छोड़ दिए कि वो उसको किस सेंस में ले रहा है। उसके बाद आता है अधी राती बूहे खड़कन डैना चीका मार दिया, सब दी शुकर गूंजे जी में गल्ला गुज्जे प्यार दिया। गुज्जे प्यार यानी कि छुपा हुआ। ठीक है, और सब दी शुकर यहाँ से मुराद यहाँ पे इंसान है। उसके बाद इधर उधर लुक लुक हसन शक्ला शहरों पार दिया, यानी देखे मैं कितना खौफ और कितना हॉरर इन्होंने फैलाया हुआ है। रूहा मांगो कोलो लंगन महका बासी हार दिया, कब्रिस्तान के रस्ते दिसन कूका पहरेदार दिया। अब कूका कहते हैं आवाज़ों को और पहरेदार यानी सिपाही वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, महक होवे ते ओथे सप यानी सांप, सुर होवे ते ओथे सप, धरती हेठ हुनेरे अंदर यानी धरती के नीचे, जमीन के नीचे अंधेरों के अंदर, जर होवे ते ओथे सप। इसी तरह आप सिंबलिज्म को जब हम लोग बात करते हैं, सिंबल अगेन साइंस से निकला हुआ है और ये सिंबलिज्म की एक पूरी जो है वो तहरीक है जो यूरोप से आई थी। इसमें आप लोग कुछ करो, ठीक है, वो नज़म कोट कर सकते हैं, जैसे सिर ते गुप हुनेर ते धरती उत्ते काल। ठीक है, ये धरती जमीन के ऊपर काल यानी कहत है और सिर के ऊपर यानी ऊपर आसमान में, पैरा कंडे जहर दे लहू विच बिजेवाल। ठीक है, लहू विच बिजेवाल मिसाइल के शिकार। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जतन करो कुछ दोस्तों तोड़ो मौत दा जाल, फड़ मुरली ओए रांझिया कट कोई तिखी तान। तिखी यानी कि नवा सिर, यानी कि कोई नई चाल कोई नई राह, मार कोई तीर ओए मिर्ज़िया खिंचके वाला आसमान। अच्छा, ये बहुत लिबरल किस्म के जो हैं वो शायर हैं। आप इनकी जब भी शायरी को देखेंगे तो लाइक इनका कहने के उन्होंने अल्लाह ताला का ये इस तरह के अल्लाह ताला की हस्ती का जिक्र भी कहने के तो सिर्फ एक एहसान के तौर पे कर दिया इस तरह से, हालांकि बहुत लिबरल और ब्रॉड माइंडेड है इस चीज़ में। ठीक है, वो आपको लास्ट लाइन से भी पता चल गया होगा। देन आप नेक्स्ट देख लें, दीवे बलन मज़ारा ऊपर जंगला विच मशाला, मशाला यानी लाइट, दिन बर्बाद सवाला अंदर रातां विच सवाला। ठीक है, उसके बाद शहर दे चौक खबीसा मल्ले, खबीसा मतलब के आवारा लोग, तैयब विच मलाला, तैयब यानी कि डिजर्विंग जो पीपल होते हैं और मलाला मतलब परेशान। ठीक है, उसके बाद बेमाउनियत दी तहरीक, ये तहरीक भी यूरोप से आई थी और इसका जो पस मंज़र या बैकग्राउंड है वो दो जो वर्ल्ड वॉर्स थी, लाइक आलमी जंग जो फर्स्ट थी और सेकंड, उससे आया था। ठीक है, और उस इन्होंने उसी चीज़ को यहाँ पे कोट करने की कोशिश की है कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, पहले वो चीज़ें बनाता है और फिर खुद ही अपने लिए जो वो चीज़ें होती हैं उसके लिए तबाही के बायस बन जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस तहरीक का जो इस तहरीक के मुताबिक जो तरक्की का ख्याल एक कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ एक वहम है। हम तरक्की नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने लिए कोई चीज़ बनाते हैं और फिर उसी से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। अब जैसे बॉम्ब बनाया था तो बॉम्ब इसलिए नहीं बनाया था कि लोगों को मारा जाए, लेकिन हम मर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप जिस नज़म को यहाँ पे कोट करेंगे वो जीन ले जतन, इसको भी आप कर सकते हैं, या होटल का दरवाज़ा खोल के नज़ारा, इन दोनों में से जिसको चाहें आप कोट कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं, दुनिया दे विच रहन ले वी की कुछ करना पैंदा है, अपने ही लहू दिया नहरा अंदर आपे ही तरना पैंदा है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो इतना मतलब ये डिफिकल्ट था कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। देन देख लेते हैं, आदम नहीं कोई जानवर सन, रोटियां खाए जाते सन, रोला पाए जाते सन। उसके बाद आप शायरी भी जब हम यानी कि एम्बिग्विटी है इनकी शायरी में, जैसे आप यहाँ पे देखें, बर्बर जंगल दर्श समंदर सोचा बीच पहाड़, ये शहरी जो कल्चर है उसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जेड़े शहर दे कोल ए होवन उसनू देन बगाड़, अंदरों पागल कर दें दिए एना दी गरम हवाड़, एना दे नेड़े रहन ले बड़ी हिम्मत दरकार, यानी शहरों में रहने के लिए, एना दी चुप दी हैबत दा कोई जल ना सकता बार, यानी कि इतने जब हम अर्बन लाइफ्स में आते हैं तो इतनी खामोशी होती है और वो उस खामोशी में भी डर लगने लग जाता है। ठीक है, आगे आप इनकी नज़म देखें, रस्ते विच एक शहर,
इट्टां दा इक उच्चा टिब्बा बन मकाना वर्गा किते किते कोई दीवा बलदा गोरिस्तान वर्गा। गोरिस्तान कहते हैं ईसाइयों का कब्रिस्तान, ठीक है। उसके बाद आप सिक्स देख लें, शहरी सकाफत का बयान, यानी अपने ही डर तो जुड़े हुए ने एक दूजे दे नाल। उसके बाद एक बड़ा पुराना खौफ नज़म है, उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है शहरी जो ज़िंदगी है उसके लाइफ स्टाइल को। और इस तरह से आप देखें, उस वेले भी जदों ऐसे सारे पक्के घर नहीं होंगे सन, यानी कि जब ये शहरी ज़िंदगी नहीं थी और लोग सब गांव के तरह रह रहे थे एक दूसरे के साथ, रामा जी फिर दी मौत एने बोते डर नहीं होंगे सन। लोग आसमान दी चुप तो डर के इंजी रोला पाते सन, कल्या रहन तो वह भी सारे साढ़े ही वांग घबराते सन, ठीक है ना। यानी कि शहरों में जो लोग होते हैं वो भी इसी तरह डरते हैं जैसे कि गांव वाले लोग। बस ये कि वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो लोगों ने ऐसा अडॉप्ट किया हुआ कि वो क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम द रूरल लाइफ। उसके बाद जो दूसरी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं वो ये एक उजाड़ शहर, उस नज़म को आप कोट कर सकते हैं। इकलापा आप देख लें, इकलापा में अगेन वो लॉन्लीनेस का एक जिक्र है कि मतलब शहरी ज़िंदगी में लोग एक दूसरे साथ रह तो रहे हैं लेकिन वो फिर भी मादगी प्रस्ती और मटीरियलिज्म इतनी ज़्यादा कि वो अकेले अकेले हैं, ठीक है। यानी कि यार मरे भला कौन ने ऐथे बह जमीन पहाड़, यानी कि अगर कोई मर भी रहा है तो उसके पास कोई भी नहीं है। असा किसे दिन सारे मिलके करांगे ओ यलगार, यलगार कहते हैं दावा बोलना, ठीक है, शोर मचाना। साडे वर्गा चुप आसमान भी जाएगा साथो हार, वांग वरोलिया उड़दा फिरेगा दिया देंगे ऐसी वाज। वाज आवाज को कहते हैं और वरलिया कहते हैं उड़ता हुआ फिरना, ठीक है, उड़ता फिरना। ला के रख देंगे और जिस सरदारी दा ताज। अब ये देखिए यहाँ पे भी इनकी कितनी जो अप्रोच है वो लिबरल है, ठीक है। तो मैं आपको समझ आ रही हूँ ये किस तरह से जो है इनका जो अंदाज़े बयान है वो डिफरेंट है फ्रॉम द कॉन्टेम्प्रेरी पोइट्स। और एक बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी इन्होंने एक किताब, मतलब जब ये कर रहे थे मतलब अपनी जॉब में सेटलमेंट होने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने किताबों को पब्लिश करना शुरू किया था। तो वो क्योंकि उनका तजुर्बा अच्छा नहीं था तो वो काम जरा इनका ठप्प हो गया। और इम्पॉर्टेंटली ये कि इनकी बुक्स जो थी जो इन्होंने शायरी की थी उन पे भी बैन लगा दी, क्योंकि इनका जो स्टाइल था वो आप देख रहे हैं। लेकिन उससे ये हो के हुआ ये था कि अदबी हलके थे या इल्मी हलके थे उनमें ये मकबूल हो गए, ठीक है। तो आज भी इसलिए ये उस वजह से जान जाते हैं, लेकिन ये बैन थी सारी इनकी जो पॉइंट्स या बुक्स वगैरह जो इन्होंने लिखी थी उस वक्त। उसके बाद नरगिसियत पसंदी, अच्छा नरगिसियत किसको कहते हैं, एक ऐसा इंसान जो खुद को बहुत पसंद करता है, मतलब जो कहता है कि मैं हूँ, ठीक है, वो गरूर ईगो तकब्बुर इस सेंस में आ जाता है। अब आप इनकी ज़रा ये पोएम देखें, चावा जेते बंद भी कर दें मैं ए तमाशा दुनिया दा, हद दा एक इशारा करके खोल हासा दुनिया दा, पर मैं ते अजे अंत नहीं वेख्या होंदे डूंगे राजा दा। इसी तरह आप जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, एडियां दर्दी अखां दे विच हंझू भरन ना देवां, वस चले ते ऐस जहान विच किसे नु मरन ना देवां। यानी कि उन्होंने अपने आप को शो किया कि मैं ये भी कर सकता हूँ, तो ठीक है। लेकिन इसमें इनकी शायरी में आपको रुमानियत भी मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ पे सवेर वेले इस नज़म को भी कोट कर सकते हैं, ये दोहा इसको भी कोट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हमदियत पे नातियाँ रंग, ये भी आपको इस इनकी पॉइंट्स में मिलता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जब भी ये आप चाहे जदीद शायरी पढ़ रहे हो चाहे क्लासिक की शायरी पढ़ रहे हो, तो वो एक किले के उस वक्त का रवाज था कि आप पहले हम नात और मनकबत से होते हुए फिर अपने मौजू की तरफ मूव ऑन करना पड़ता था। तो यहाँ पे हम लोग नात देख लेते हैं। बहुत उदास जदों मैं होवा सुख का संदेशा आंदा, मुश्किलों में जदों थक जावा कुछ गैब वालों हो जाता, जिधरों मैनू खबर नहीं हुंदी उधरों हौसला आंदा, हनेरियां पछमा सामने फुरदी पूरबा वलों लाली। पूरबा कहते हैं मशरक, ठीक है, मशरक की तरफ से। आस नहीं मेरी टुटन देना देंदा ऐस जहानदा वाली, मेरिया मदद कर दी रहती एक मखलूक के ख्याली। अब देखिए अल्लाह ताला को भी उसने प्रोमिनेंट या बिल्कुल ऑब्वियस नहीं किया, वो भी मखलूक के ख्याली में डाल दिया, मतलब जैसे एहसान किया हो। इसी तरह नात का भी आप लोग रेफरेंस दे सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो निकिया नस्मा, यानी कि ये आप अगर लिखेंगे तो ये एक आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। अब आप देखें, वक्त तो अगे लंघन नहीं सजा, आदमी कल्ला रह जाता है। उसके बाद दूसरी है होनी द डर, सफरां विच परछावां वांगू पीछे पीछे रहता है, यानी कि ये फेट तकदीर को कह रहे हैं यहाँ पे। एक हकीकत
ਐ ਵੀ ਸੱਚੇ ਵਿਛੜਨ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੁਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇ ਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਯਾ ਫਿਰ ਆਪ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਬਿਆਨ ਆਪ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਬਿਆਨ ਆਪ ਬਤਾਈਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਸ ਵਕਤ ਕੇ ਰਾਈਟਰਸ ਥੇ ਯਾ ਪੋਸਟ ਉਨਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ, ਆਪਕੋ ਜੋ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ ਆਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਲਿਖ ਦੇਂਗੇ। नेक्स्ट हमारे पास होगा मुआते, और उस वीडियो में हम लोग उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब तक जो हो गया उसको कोशिश करेंगे वो उसे कवर अप कर लें, बिकॉज इट्स अ टेक्निकल पार्ट, और अगर आप उसको छोड़ देंगे और साथ साथ कवर नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।